दोस्तों 2022 में या फिर 2023 में जो भी छात्र छात्राएं डी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि अभी तक जो भी छात्र छात्राएं 2 वर्ष के लिए फार्मेसी का कोर्स करने के बाद उन्हें फार्मासिस्ट की डिग्री बड़े ही आसानी से मिल जाती थी, पर अब से यानी 2023 के सत्र से जो भी स्टूडेंट्स फार्मेसी का कोर्स यानी 2 साल का जो कोर्स है कम्प्लीट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उन्हें एक और एग्जाम देना होगा। ये छात्रों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर को। फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा के बाद देना होगा इच्छित एग्जाम, ये रही पूरी जानकारी। जानकारी में हम आपको लास्ट में ये तक बताएंगे कि आपके उस एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या उसका पैटर्न होने वाला है, जो कि आपको क्वालिफाई कितने मार्क्स तक करना होगा कि आपको फार्मासिस्ट की डिग्री है वो मिलेगी। देखिए, फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर्स के संचालन के लिए अब केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा करने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, डिप्लोमा हासिल करने के बाद भी आपको एक परीक्षा पास करनी होगी जिसे कि एग्जिट एग्जामिनेशन का नाम दिया। साथियों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI ने इस एग्जिट एग्जामिनेशन को डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अनिवार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है। PCI के विशेषज्ञों ने इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन भी तैयार कर दिया है। इस रेगुलेशन को प्राथमिक तौर पर केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है, हालांकि लागू करने से पहले एक बार फिर इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है। इसके अलावा सभी राज्यों की सरकार से भी इस पर रेगुलेशन पर राज्य अपनी अपनी राय मांगी गई है कि आपकी इस पर क्या राय है। मंजूरी मिलते ही इसे इसी साल से लागू किया जा सकता है। आपको बताया चले कि हालांकि यह परीक्षा उन्हें नहीं देनी होगी जो पहले से ही फार्मेसी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी वे लोग जो कि फार्मेसी पहले से ही कर चुके हैं। 2022 से पहले के बैच के जो छात्र छात्राएं थे, अगर उन्होंने फार्मासिस्ट की डिग्री ले ली है, उनको डेट दे दी गई है, तो उनको ये एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। PCI की रजिस्टर अर्चना मुदलवर ने अमर उजाला से फोन पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एग्जिट एग्जामिनेशन का रेगुलेशन तैयार कर लिया गया है, अब इसे लागू करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। जैसे ही प्रदेश व मंत्रालय से अनुमति मिल जाएगी इसे लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं देख लेते हैं। दरअसल अभी तक 2 साल का डी फार्मा कोर्स करने के बाद उम्मीदवार मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस पा लेता था और वो फार्मासिस्ट कहलाता था, लेकिन अब फार्मासिस्ट बनने के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अब ऐसे सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन अनिवार्य करने जा रही है, यानी जब आप 2 साल का कोर्स अपना कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक एग्जाम और देना होगा। साल में ये एग्जाम 2 बार कराया जाएगा, यानी कि अगर आप फार्मेसी 2 साल का कर लेते हैं, 2 साल कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको 2 साल एक एग्जाम देना होगा, जिसमें से अगर आप कोई भी एग्जाम यानी कोई एक एग्जाम पास कर लेते हैं तो वो आपको फार्मासिस्ट की डिग्री दे देंगे। पर इसके लिए भी कंडीशन है कि आपको कितने मार्क्स उसमें लाने होंगे। काउंसिल की तरफ से तैयार किए गए रेगुलेशन के मुताबिक एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में यह भी तैयार किया जाएगा कि उम्मीदवार सही तरीके से प्रैक्टिस करने योग्य है भी या फिर नहीं है। काउंसलिंग की तरफ से डिप्लोमा होल्डर्स के लिए साल में 2 बार एग्जिट एग्जामिनेशन कराया जाएगा। यह एग्जाम कब और कहाँ होगा इसके बारे में PCI की तरफ से जानकारी दी जाएगी। और इसमें खास बात क्या क्या है, आपके सिलेबस वगैरह क्या होंगे। देखिए, इस एग्जाम में आपको कम से कम 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे, यानी अगर आप 100 मार्क्स का आंसर देते हैं क्वेश्चंस का, तो इसमें आपको 50 कम से कम 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, देखिए एग्जिट एग्जाम का जो प्रश्न पत्र होगा इसमें कुल 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। मल्टीपल च्वाइस पर आधारित प्रश्न पत्र में फार्मास्यूटिक्स जो कि आपके सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी सब्जेक्ट में, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लीनिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरोपेडेंस और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। खास बात ये होगी कि ये जो प्रश्न पत्र होगा वो टोटल अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में होगा। प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। परीक्षा पास करने के लिए कम से कम यानी न्यूनतम आपको 50% अंक तो लाने ही होंगे। अगर आप 50% कम का अंक लाते हैं तो आपको परीक्षा को अनक्वालिफाई माना जाएगा और आपको फिर से उसका एग्जाम देना जाएगा और देना होगा। अंक व प्रश्न पत्र के 3 भाग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो 3 प्रश्न पत्र भागों में होंगे। एग्जिट एग्जामिनेशन का जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 भागों में होगा और तीनों ही भाग में आपको कम से कम 50% अंक उसमें लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, सेम खबर एक दूसरे न्यूज़पेपर में भी छपी हुई थी। लखनऊ
डिप्लोमा फार्मेसी में वर्ष 2022-23 में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को पंजीकरण के पहले एग्जिट परीक्षा देनी होगी, यह अनिवार्य होगा एंड इसके बिना आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव जो है इन्होंने बताया हुआ है कि इसका स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट एग्जामिनेशन लागू होने से फार्मेसी के क्षेत्र में अनुशासन, सत्यनिष्ठा, निर्णय कौशल, ज्ञान और सीखने की इच्छा जो है वो बढ़ेगी एंड छात्रों को बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलने वाला है। इससे जो योग्य छात्र होंगे वही फार्मेसी के लिए फार्मासिस्ट की नौकरी यानी जॉब जो है वो कर पाएंगे। इससे जो अयोग्य छात्र छात्राएं होंगे जो कि किसी वजह से अगर कम मार्क्स के साथ भी फार्मेसी पास किए होते हैं तो वो इस कोर्स से बाहर रहेंगे। एटलीस्ट कुल मिला जुला कर अगर आप 2 साल का फार्मेसी एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद आपको एक एग्जिट एग्जामिनेशन अलग से देना होगा जिसमें कि एक प्रकार से क्वालिफाई आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसमें अगर आपको 50% अंक के साथ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज मिलती रहेंगी।